एवरीवन, होप सो एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल। आई एम मुस्कान ब्रोही, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो भी आज का जो व्लॉग है ना, उसका टॉपिक होने जा रहा है अ डे इन द लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट, जिसमें आप लोग एक एमबीबीएस स्टूडेंट की रूटीन देखेंगे, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करती है। इसके अलावा मुझे पता है आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, खैर वैसे आपस की बात, मुझे खुद अपनी रूटीन में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो चले भी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज भी कितनी सवेरे आ गई हूँ यार। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं इतनी सवेरे कभी नहीं गई किसी डेमो में। इतनी देर हो जाती है मुझे कि मैम दरवाज़ा बंद कर देती है। आज मैं सोच रही हूँ आज मैं मैम से बदला लेकर उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। थैंक गॉड क्लास हो गई ख़त्म। डेमो वाली क्लास लेने के बाद जो मेरा पहला काम होता है ना, वो होता है नाश्ता, वो भी सीसी की गर्मा गर्म चाय साथ में नरमो मुलायम पराठा। भाई आपस की बातें, मैं सोच रही हूँ ना मैं अपने एमबीबीएस की बुक्स बेची दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनको मैंने पूरा साल नहीं खोला उनको 2 महीने अपने साथ रखकर मैंने क्या उखाड़ लेना है। बाय द वे, खैर ये स्कीम मेरे भाई की है, उसने बिना अपने फर्स्ट ईयर लॉ की बुक्स बेच दी थी, अब वो सेकेंड ईयर में है। जब वो थर्ड ईयर में जाएगा तो अपने सेकेंड ईयर की बुक्स बेच देगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जस्ट जोकिंग, ऐसे ही मजाक कर रही थी, प्लीज़ आप मेरी बातों को सीरियस ना लें इतना ज़्यादा। ठीक है, थोड़ी देर लाइब्रेरी के एसी की हवा खाने के बाद अब हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली भाई क्लास लेने का टाइम हुआ जाता है, तो अब हम जा रहे हैं क्लास लेने के लिए। फाइनली क्लास होगी ख़त्म, फार्माकोलॉजी की क्लास थी ये और अभी हमारी फिजियोलॉजी की क्लास, लेकिन मैंने और दोनों से सोचा यार जाकर क्लास बंक करते तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर एक सेमिनार चल रहा था जिसमें वो यूके स्कॉलरशिप्स के बारे में बता रहे थे। खैर हमारा तो कोई इरादा नहीं, घर वाले तो नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं छोड़ते, यूके कहाँ छोड़ेंगे। मैं हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता है कि उन्होंने तकलीफों से डील करना होता है। सारा दिन यूनिवर्सिटी में ख्वारी के बाद भी मैं गई थी अपने लिए कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए। लिटरली ये वाले काम मैंने कभी भी अपने लाइफ में नहीं किए, सारा ये काम मेरे भाई मुझे करके देते थे। सच में बहुत याद आ रही है उनकी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बाय द वे पहले सिर्फ सुना ही था कि एमबीबीएस में आकर लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली मुझे देख सकते हैं मैं इतना ऊपर कैसे आ गई, मैं तो खुद परेशान हूँ। एक्चुअली मैं लंच लेने के लिए गई थी और जब भी वापसी आ रही तो फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ती 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 मुझे पता ही नहीं चला मैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पर आ गई। अल्लाह। तो भाई ये है हम गरीबों का लंच, यहाँ पर ऐसा ही मिलता है यार। सच में हर चीज़ की टेस्ट ना सेम होती है, लाइक वो मसाला सेम यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर इनकी दाल हो गई, इनकी मुर्गी हो गई, कोई मटन वाली चीज़ हो गई, सब की टेस्ट सेम होती है। सच में लंच करने के बाद मेरी रूटीन कुछ इस तरह से होती है, फिर मैं ना तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के लिए ना सो जाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब उठी अचानक, फिर मैंने देखा यार बाहर मौसम तो बिल्कुल मस्त था। सच मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एक तो मैं जब भी बैठती हूँ पढ़ने के लिए तो ये बारिश मेरे बीच में बहुत बोलता है। खैर इस बार मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं बारिश की वजह से अपने बुक्स को बंद करने नहीं वाली बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ेंगे हम तो बढ़ेंगे हम। अरे लाइट चली गई यार, छोड़ दो पढ़ाई, जाकर एंजॉय करते हैं। बस हवा निकल गई। सिंधी मेहमान नवाज है सारे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 2, 3 व्हाट इज दैट, व्हाट टू प्लीज मापू तू मुझी पापी। हमारी जो सीनियर्स है ना 4th ईयर की, वो नीचे गाने गा रही थी, मैं उनके पास गई, मैंने कहा आप मुझे परमिशन दे सकती हैं मैं आपकी वीडियो बनाऊं, एंड देन शी सेड यस। एवरीथिंग
टेम्परेरी बट रात के 2 बजे बेवक्त भूख लग गए इस परमानेंट। मैंने और अंबर ने रात को KFC ऑर्डर किया था, वही रिसीव करने जा रहे। अंबर बाग तो ऐसे रही जैसे मुफ्त का खाना मिल रहा हो, कि खत्म ना हो जाए देर से जाएंगे तो। तो भाई यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साथ में ये वीडियो भी देखते जाए। लाइक ग्लासेस से सजवाई थी सबापी। हाँ तुझे कॉमरे डापी बच्ची है मपान है हमारे। वैसे ये बहुत कम है, मुझसे ज़्यादा लड़ते हैं मैं और अंबर। तो भाई अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मैं फिर से कह रही हूँ, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।